ये भैया कितना लीटर दूध दे देगी एक दिन में? क्या पाँच चार पाँच लीटर एक दिन में? हाँ, एक समय में, एक समय में, एक समय में चार पाँच लीटर देगी। और सुबह भी करते हैं फिर शाम को भी करते हैं? तो जैसे चार पाँच लीटर दूध निकालने में कितना वक्त लगता है? अरे ज़्यादा ज़्यादा लगेगा, 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट में 5 लीटर दूध निकाल सकते हैं। और ऐसे ही शाम को फिर दोबारा? और ये भैंस जो है ये कहाँ रहती है, मतलब सारा दिन कहीं कछार वछार में जाके? कछार जाती है चरने। और वैसे आप भी इसको खाना देते हैं? कहा नहीं देंगे, जब खिलाएंगे नहीं तो देगी कैसे? क्या क्या खिलाते हैं इसको? इसको अरसी सरसों खरी खिलाना पड़ता है, चूनी अरहर की और सरसों की खली और आटे का चोकर खिलाना पड़ता है। गेहूं का चोकर, आटे का चोकर? हाँ, और भूसा खिलाना पड़ता है। भूसा कहाँ कससे आता है? खरीद के आता है सब। अच्छा, तो आपके पास ऐसे कितनी भैंस है? हमारे पास अभी एक ही भैंस है। और गाय कितनी है? एक गाय है, ये सामने खड़ी। ये गाय तो ये कितना दूध दे देती है एक समय में? ये भी दे देती है 4 लीटर। तो एक समय में 4 लीटर, तो सारे दिन में 8 लीटर। अच्छा, ये पैर मारते हैं क्या जब इनसे दूध निकालो जानवर से? तो पैर मारते हैं क्या? जैसे आदमी का कभी मूड खराब रहता है, हाँ, तो नहीं वो ठीक से बात करता, झगड़ा लड़ाई करने लगता है। हाँ, ऐसे जानवर होते हैं, इनका मूड के ऊपर है। तो फिर जब पैर मारते हैं तो इनके पैर को बांधना पड़ता है? नहीं, पैर बांध के भैंस नहीं दी जाती, गाय के भले छनान लगा दिया जाता। अच्छा, तो गाय हमेशा ही पैर बांधना पड़ता है कि किसी किसी ने? नहीं, गाय को तो बहुत से लोग नहीं बांधते, ऐसे ही लेते हैं हम लोग, तो छनान लगा के देते हैं। अब जानवर है, मक्खी है, काट ली तो पैर चला देगी। हाँ हाँ हाँ, आप है कि अभी कोई चीज़ काटेगा, कोई चीज़ तो हाथ चलाएंगे ना। हाँ हाँ, इसके जानवर इनके पास हाथ तो है नहीं, तो पैर ही चलाएंगे। तो भैया ये दूध आप सप्लाई करेंगे घर घर में? हाँ। अच्छा, तो आपके कस्टमर फिक्स हैं, बंधा हुआ है कस्टमर? तो आप कब से ये काम कर रहे हैं भैया, कब से आप दूध? ये हमारी 3 पीढ़ी बीत गई। अच्छा, हमारे बाबा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम कर रहे हैं। आप किस उम्र से कर रहे हैं काम? अरे हम 12-13 साल से अपना बाब घर में कम होता ही था। हाँ, लगे रहते थे। हाँ, तो जब पहली बार दूध निकाला था तो आराम से निकाल लिया, दिक्कत हुई थी मतलब? पहली बार में कहाँ, ट्रेनिंग सीखता है, हाथ दर्द करने लगता है। हाँ, ये हाथ अंगूठा उंगलियाँ सब उसकी मांसपेशियाँ दर्द करती होंगी, ये धीरे धीरे मतलब सेट हो जाता है। तो आपके घर में बच्चे बच्चे सब सीख रहे होंगे, 12-14 साल के जितने भी हैं? नहीं, अभी बच्चे कोई सीखना नहीं चाह रहे। अरे क्यों? अब उनकी मर्जी। तो आप बच्चे चाहेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे दूध? अभी नहीं, अभी सीखा नहीं है। नहीं। तो आप उनसे क्या कह रहे हैं, सीखो कि आप कह रहे हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं सीखो? नहीं, सीखेंगे तो हम तो चाहते हैं सीख लें। हाँ, अब वो अभी नहीं सीखना चाह रहे। अच्छा, ये भैंस को फिर नहलाना कैसे, इसको नहलाते हैं? नहलाया भी जाता है। हाँ, पानी से नहलाया जाता है। तो आप अभी गाय का दूध ये निकाल चुके हैं कि अब निकालेंगे? निकालेंगे। तो आप सुबह कितना वक्त, जैसे कितना वक्त लगता है सारे जानवर का दूध निकालने में?
बताए 5 मिनट लगता है जानवर। अच्छा तो करीब 10 मिनट सुबह लग, दो ही जानवर है ना? दूध दो ही दे रहे हैं तो अभी है, मगर दूध अभी दो दे रहे हैं, दूध तो हमेशा देते नहीं रहते सब। अच्छा कैसे, जैसे ये भैंस दे रही है, गाभिन हो जाएंगी तो कहाँ दूध देंगी, क्या हो जाएंगे? अरे जब ये बन जाती हैं, जब बच्चा देंगी तभी तो दूध देंगी फिर। तो जैसे अभी मान लीजिए बच्चा दिया, फिर कितने महीने तक दूध देंगी? जितने जैसे कि बच्चा देने के बाद 5-6 महीना देंगी, फिर गाभिन हो जाएंगी, 2-3 महीना और लगेंगे, फिर 3-4 महीने के लिए कूद जाती है। अच्छा 3-4 महीने बाद फिर देती जब बच्चा देंगी। अच्छा अब बराबर दूध देने लगे तो फिर। तो ये वाला जो भैंस जिसको आप दूर रहे हैं, इसका इसका बच्चा है अभी? ये सामने बंधा हुआ है, देखिए ये सामने आगे बंधा हुआ। ये बच्चा बंधा हुआ है तो अच्छा बच्चा जब बगल में खड़ा होगा तभी दूध देगी, और क्या? अगर बच्चे को कहीं दूर रख देंगे तो फिर दूध नहीं देगी? नहीं देगी, कहेगी हमारा बच्चा कहाँ है। माँ ही तो बच्चे को दूध पिलाती है। तो इस वक्त भैंस को पता नहीं चल रहा है कि इसका बच्चा पी रहा है कि नहीं, तो उसको मालूम है कि यहाँ दूर है। अच्छा अच्छा हाँ, अभी पहले उसको खोलते हैं, पीता है तब फिर उसके बाद दूध देती है। अच्छा हाँ, तब दूध उतारती है। तो इसमें जो भी दूध है आप अपने परिवार के लिए भी तो निकाल के थोड़ा रखते होंगे, सब तो बेचते नहीं होंगे? तो घर में भाई तो चाय का काम लगेगा, हाँ, खाना हुआ है, हाँ, पीना हुआ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, अब बेचेंगे नहीं तो इनको खिलाएंगे कहाँ से, चोकर भूसा कहाँ से? हाँ, सही बात है। और क्या, जो नहीं दूध दे रही वो भी खा रही हैं, इसी में एडजस्ट होता है कि नहीं सर?